किसान भाइयों, रोपाई के बाद ये समय है जब बहुत सारी बीमारियों और कीड़ों का प्रकोप धान की फसल में होता है। एक कीड़ा है जो कि धान में बहुत नुकसान करता है, जिसको हम तेला, चेपा, भूरे रंग का फुदका या ब्राउन प्लांट हापर कहते हैं। ये बहुत छोटा कीड़ा होता है जो तनों के निचले हिस्से में बैठता है और तनों का रस चूस लेता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। बालियां अगर निकल गई हैं तो उनके अंदर अगर दाना भरा हुआ है तो दाना भी सूख जाता है। इस कीड़े का नियंत्रण करना बहुत जरूरी होता है और इसके लिए इसकी पहचान जरूरी है, क्योंकि जब आपके खेत के आसपास ट्यूबवेल के ऊपर कोई लाइट जल रही है, उसके ऊपर छोटे छोटे कीड़े अगर रात में दिखना शुरू होते हैं, इसका मतलब बीपीएस का प्रकोप होने वाला है। नियंत्रण के लिए आप कुछ दवाएं जिनके बारे में आपको बता रहा हूं, इसमें पेक्सालोन, जिसको कि ट्राईफ्लू मीजोपायरिन, इसकी 94 मिलीलीटर दवा 200 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। इसके अलावे चेस नामक दवा, जिसको हम पाइमेट्रोजीन के नाम से जानते हैं, इसका टेक्निकल 120 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ दर की से छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त ओसिन और टोकेन नाम की दो दवाएं, जिनका ये तो व्यावसायिक नाम है, डाइनोटेफ्यूरान के नाम से आती हैं, और इसकी 100 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलकर जब फसल आपकी 60 से 90 दिन की हो उसमें छिड़काव करें। इस बात का ध्यान रखें कि जब एक दवा का आप छिड़काव कर लेते हैं और दोबारा आवश्यकता होती है दवा की छिड़काव करने के लिए, कीड़े का प्रकोप दोबारा होता है, तो दवा को हम बदल करके छिड़काव करें, जिससे काफी प्रभावशाली होगी। इसके अलावा हम बीमारियों की अगर बात करें तो सीत ब्लाइट, ब्लास्ट या नेक ब्लास्ट, जिसको हम झोंका रोग या गर्दन तोड़ बीमारी को बोलते हैं, या गुतान झुलसा सीथ ब्लाइट को बोलते हैं, इनके नियंत्रण के लिए आपको कई दवाएं हैं जो मैं बताऊंगा। एक दवा है एमीस्टार, जिसमें कि एजॉक्सीस्ट्रोबिन और डाइफेनाकोनाजोल होता है। इसकी 200 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके अलावा एवांसर ग्लो एक दवाई आती है, जिसमें एजॉक्सीस्ट्रोबिन और मेंकोजेब, ये दो तकनीकी तत्व पाए जाते हैं। इसकी 600 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव करें, तो इससे लीफ ब्लास्ट का बड़ा ही प्रभावशाली नियंत्रण हो जाता है। इसके अतिरिक्त नेटिवो एक दवा आती है, जिसको हम टेबिकोनाजोल, और इसके अंदर ट्राईफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन पाया जाता है। 150 ग्राम दवा 1 एकड़ में 200 लीटर पानी में घोल करके इसका छिड़काव करें, तो इससे प्रभावशाली नियंत्रण होता है। इसके अलावा एक दवा है गैलीलियो, जिसमें पिकॉक्सीस्ट्रोबिन होता है। इसकी 240 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के दर से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। और सीथ ब्लाइट के लिए विशेष रूप से सीथ मार एक दवा आती है, जिसके अंदर हेक्साकोनाजोल पाया जाता है। इसकी 400 मिलीलीटर दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे, तो इस सीथ ब्लाइट, ब्लास्ट और गर्दन तोड़ बीमारी का बड़ा प्रभावशाली नियंत्रण होगा। आपसे अनुरोध है कि दवा छिड़काव सही समय पर करें, सही तरीके से करें, सही दवा का छिड़काव करें, और इस बात का ध्यान रखेंगे तो चावल के अंदर इन दवाओं का अवशेष बिल्कुल नहीं आएगा।